वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज फैशन बाय पैशन विद अनुराधा सिंह। सो आज की वीडियो होने वाली है वेस्टर्न हॉल वीडियो एंड इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी टॉप्स, ड्रेसेस एंड ये सभी मैंने मिंत्रा से परचेज किए हैं एंड बहुत ही अंडर बजट वीडियो होने वाली है। आई एम श्योर वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, एंड तक जरूर देख लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ मूविंग टू आर नेक्स्ट टॉप एंड दिस इज इन वेरी प्रिटी कलर विच इज इन येलो कलर, येलो मस्टर्ड कलर। इसमें फ्रंट में यहाँ पे ऐसे वी नेक मिलेगा जो कि देखने में लग रहा था कि इसका नेक थोड़ा सा डीप होगा, बट ये डीप नहीं है। आप चाहो तो इसके साथ स्पेगेटी भी वेयर कर सकते हो अंदर से। एंड इसकी स्लीव्स थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, एज यू कैन सी ये फुल लॉन्ग स्लीव्स में मिलेगा एंड स्लीव्स इसकी ऐसे बलून स्टाइल में है, तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंट चीज थी। एंड इसके जो टॉप का स्टाइल है दैट इज पैम्पलम डाउनवर्ड्स, थोड़ा सा ऐसे फ्लोई काइंड ऑफ मिलेगा ये, और पूरे ही इसमें ऐसे प्रिंट है वाइट, सम वाइट कलर में, तो बहुत ही अच्छा है ये भी। मतलब दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस और फैब्रिक की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, समर के लिए बहुत सॉफ्ट है। एंड इसमें भी जो साइज मैंने परचेज किया था दैट इज साइज मीडियम, तो इसका जो मीडियम साइज है वो मुझे बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट रहा है, तो आप इसको ट्राई कर सकते। नाउ लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट ड्रेस एंड दिस इज अगेन फ्रॉम टोक्यो टॉकीज एंड एज यू कैन सी इसमें बहुत ही सुंदर सा पर्पल कलर का ऐसे फ्लावर प्रिंट बना हुआ है एंड इसमें फ्रंट में ऐसा कुछ नेक मिलेगा, राउंड नेक में है एंड बैक साइड में ऐसा कुछ ऑप्शन मिल जाएगा इसको टाई करने के लिए। और इसकी जो स्लीव्स हैं ये हाफ स्लीव्स में, हाफ लाइक 1/4 स्लीव्स हैं, और यहाँ पे ये ऐसे बलून स्लीव्स हैं। एंड ऑल्सो वन थिंग जो कि मैंने नोटिस करी थी कि इसमें कुछ ऐसा कैन काइंड ऑफ दिया हुआ है अंदर से, सो दैट ये शोल्डर पे थोड़ा बाउंसी इफेक्ट प्रोवाइड कर सके, तो दिस इज़ वेरी नाइस। एंड दिस इज़ द होल पैटर्न ऑफ दिस ड्रेस एंड ये ऐसे में है एंड साइड में इसमें यहाँ पे जिप भी है, लाइक अगर आप इसको वेयर करते टाइम थोड़ा सा फिटेड लगता है तो आप इसको ओपन करके पहन सकते हैं। एंड बैक साइड इसमें यहाँ पे ऐसे कट दिया हुआ है, इसकी लेंथ मेरे नी लेंथ तक आई है, सो आई थिंक इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड चॉइस। एंड इसमें भी मैंने साइज परचेज किया है मीडियम, जो कि मुझे एग्जैक्ट साइज आया है। एंड इसके जो फैब्रिक की क्वालिटी है दैट इज क्रेप मटेरियल, तो ये बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। समर्स के लिए ये भी बहुत सही रहने वाला है, और आजकल ऐसे प्रिंट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और आप देख भी सकते हैं, मैंने मोस्टली फ्लोरल प्रिंट ही आपको दिखाए हैं। नाउ लेट्स मूव टू आर नेक्स्ट ड्रेस एंड दिस इज इन नेवी ब्लू कलर एंड दिस इज लाइक शोल्डर पे इसमें कुछ ऐसा स्टेप काइंड ऑफ मिलेगा एंड फ्रंट में एंड देन ये वेस्ट एरिया पे ये थोड़ा सा ऐसे कट स्टाइल में दिया हुआ है, सो दैट आपकी थोड़ी सी जो वेस्ट एरिया है वो थोड़ा सा दिखाई दे, तो ये थोड़ा सा इसमें फैंसी सी चीज ऐड की गई है। एंड इसमें भी यहाँ साइड में जिप दी हुई है एंड इसकी जो लेंथ है ये बिलो नहीं जाएगी। एंड इसका जो प्रिंट है आप देख सकते हैं दिस इज इन नेवी ब्लू कलर एंड विथ पर्पल एंड ऑरेंज फ्लावर्स, तो दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। बट मुझे इसके साथ एक प्रॉब्लम है, फर्स्ट थिंग कि मैं ऐसी स्टेप्स काइंड ऑफ स्लीव्स के साथ आई एम नॉट वेरी मच कम्फर्टेबल एंड इसलिए बस मुझे ये प्रॉब्लम है, इसकी फिटिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है। बट अगर आप इस टाइप की ड्रेसेस वेयर करना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस, और इसकी जो क्वालिटी है फैब्रिक की क्वालिटी दैट इज़ ऑल्सो वेरी नाइस एंड दिस इज़ इन क्रेप मटेरियल अगेन। एंड इसका जो साइज़ मैंने परचेज किया दैट इज़ मीडियम, और इसकी भी एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम ब्रांड टोक्यो टॉकीज एंड इन सभी के प्राइस मैं आपको यहाँ साइड में मेंशन कर दूंगी, मुझे फिलहाल याद नहीं है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया मुझे ये सब ऑर्डर करे हुए, बट यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस ड्रेस। नाउ हियर कम्स माय नेक्स्ट ड्रेस एंड दिस इज फ्रॉम ब्रांड पॉपनेटिक, दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड पॉपनेटिक, और इस ड्रेस को मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी। लाइक इसमें फ्रंट में यहाँ पे ऐसे वी नेक काइंड ऑफ मिलेगा, इसका जो पैटर्न लगा था मुझे थोड़ा सा जैसे जंपसूट काइंड ऑफ होता है कुछ ऐसा पैटर्न है ये, इसमें जिगजैग ब्लैक ग्रे एंड वाइट कलर में बॉक्सेस बने हुए हैं। एंड इसकी जो स्लीव्स है ये कुछ ऐसे टाइप में मिलेगी, हाफ स्लीव्स ही है बट कुछ ऐसा पॉम पॉम लगे हुए इसमें ब्लैक कलर के। एंड दिस इज़ द होल लुक, ऐसा कुछ वेस्ट पे ये कुछ ऐसे टाई करने के लिए मिलेगा। एंड इसकी जो एक चीज़ है इसमें यहाँ पे ये वाला जो है ये आपकी नी लेंथ तक आएगा एंड देन ये शर्ट स्टाइल में आएगा, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। स्पेशली इसका जो फैब्रिक की क्वालिटी है दैट इज़ कॉटन मटेरियल एंड इसमें भी मैंने साइज परचेज किया है मीडियम, तो इसको मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी ट्राई करने के लिए, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं।
एंड ऑल्सो मैंने ये एक वाइट कलर की डेनिम और यू कैन से वाइट कलर का ट्राउजर परचेज किया है एंड दिस इज अगेन फ्रॉम टोक्यो टॉकीज. टोक्यो टॉकीज से मैं मोस्टली परचेज करती हूँ क्योंकि एक तो ये अंडर बजट मिल जाता है, काफ़ी फैंसी और ट्रेंडिंग ड्रेसेस मिल जाती है यहाँ पे देखने को. तो इसलिए मैंने ये बेल बॉटम, सम बेल बॉटम स्टाइल ट्राउजर परचेज किया है. इसकी वेस्ट इज 30 जो कि मुझे लूज है, मुझे 28 परचेज करनी पड़ेगी. बट इसकी जो क्वालिटी है दिस इज़ वेरी नाइस. बहुत सॉफ्ट मटेरियल है इसका और ये नीचे से ऐसे कुछ बेल बॉटम स्टाइल में देखने को मिल जाएगा. एंड ये अंदर से भी बिल्कुल हार्श नहीं है, बॉडी पे बहुत सॉफ्ट है. सम कॉटन काइंड ऑफ इसका फैब्रिक है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं. एंड इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड बहुत कम्फर्टेबल. एंड हेयर इज़ माई नेक्स्ट प्रोडक्ट और ये है एक ज्योमेट्रिक शेप में ड्रेस. इसमें बेस में वाइट कलर है और उसके ऊपर ये ब्लू और पिंक कलर में ये कुछ ऐसे ज्योमेट्रिकल शेप्स में पैटर्न दिया हुआ है और पूरी ही ड्रेस में ये ऐसा ही है. एंड स्पेशली इसका जो नेक का डिज़ाइन है ये कुछ ऐसे कॉलर्ड शेप में और रैप ड्रेस काइंड ऑफ दिया हुआ है तो ये मुझे बहुत ही प्यारा लग रहा है. और एंड ऑल्सो जो इसके स्लीव्स है ये पफ स्टाइल में दिया हुआ है एंड बैक साइड में भी ये सेम ही है ऐसे. और इसमें ये ऐसे कुछ रिबन काइंड ऑफ दिया हुआ है कि आप इसको अपनी वेस्ट पे टाई कर सकते हैं जस्ट अच्छे से फिट देने के लिए. एंड दिस इज़ ऑल्सो इन क्रीप मटीरियल एंड ये भी बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल नहीं है. तो आप अगर सोचेंगे कि थोड़ा सा स्ट्रेच होकर के फिट हो जाए तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है इस ड्रेस के साथ. बट ओवरऑल दिस ड्रेस इज़ वेरी नाइस एंड इसकी जो लेंथ है वो मेरी नी लेंथ तक आई थी तो आई थिंक लेंथ की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप इसको ट्राई करना चाहें तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं. एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम ब्रांड टोक्यो टॉकीज एंड इसमें भी साइज मैंने परचेज किया है मीडियम है जो कि मुझे बहुत ही परफेक्ट फिट आया है. So you can try this one also. And yes, that's it for today's video. And I really hope ki video aapko bahut zyada pasand aayi hogi. Aur sabhi products ke links niche description mein mil jayenge. And also, agar aapne abhi tak mujhe Instagram ya Facebook pe follow nahi kiya hai, to main yahan pe Instagram handle aapke saath share kar rahi hoon. Aap mujhe follow kar sakte hain. So that hum aur zyada connected ho sake. And I hope video aapko bahut zyada pasand aayi ho. Video ko like zaroor kijiyega, share kijiyega, channel ko subscribe kar dijiyega. So chaliye milte hain next video mein. तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा. बाय बाय.